हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए बिल्कुल न्यू है टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो डेली लाइफ में आपके काम को आसान कर देंगे। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला जो मेरा टिप है, जब भी हम चावल बनाते हैं तो क्या होता है, जब हम चावल बनाते हैं हमारा ध्यान एकदम से छूट जाता है और चावल नीचे से चिपक जाते हैं या फिर जल जाते हैं, जलने की इसमें से स्मेल आने लग जाती है चावल में से। तो फ्रेंड, जब भी ऐसा हो, अचानक से आपका ध्यान छूट जाए, चावल नीचे से चिपक जाए या फिर इसमें जो जलने की जल जाए, नीचे से जल जाते हैं कभी कभी, इसमें जलने की स्मेल आने लग जाए, तो आपको क्या करना है, 5 मिनट के लिए आपको क्या करना है, जो प्याज होते हैं प्याज के 2 टुकड़े ले लें और प्याज के 2 टुकड़ों को इस तरह से कट करके, और गर्म चावल के जो है, जब हम गर्म गर्म चावल बनाते हैं जो उसमें ऊपर प्याज के ऐसे टुकड़े 5 मिनट के लिए रख देने हैं। तो ऐसा करने से ये होगा, अगर चावल नीचे से चिपके होंगे या फिर जले होंगे, जलने की स्मेल आ रही होगी, तो प्याज के कारण इसमें जो स्मेल है सारी दूर हो जाएगी। तो 5 मिनट मैंने इसके अंदर इस तरह से प्याज रख दिए थे। अब जो चावल है अगर नीचे से चिपक जाए या जल जाए तो बिल्कुल भी इसमें से जलने की जो स्मेल है बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा टिप है लेकिन बहुत ही काम का टिप है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा टिप है, जब भी हम इस तरह से जो कभी कभी बच्ची अचानक से नेल पेंट होती है फर्श पे गिरा देते हैं, तो फर्श पे जब नेल पेंट गिर जाती है तो बिल्कुल इसको साफ़ करना मुश्किल हो जाता है, साफ़ ही नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही छोटा सा टिप है, आपको ले लेनी है थोड़ी सी चीनी। तो जब भी बच्चे वगैरह हों, इस तरह से नेल पेंट जो नीचे अगर फर्श में गिरा देते हैं, या फिर हमारे से भी कभी क्या होता है, हमसे भी क्या होता है, अचानक से नीचे फर्श पे कभी कभी नेल पेंट जो होती है 1-2 बूंद गिर भी जाती है, तो फ्रेंड चीनी जो है लगाते ही क्या होगा, चीनी जो है नेल पेंट को अपने ऊपर अब्सोर्ब कर लेगी। और जो ये कॉटन है, कॉटन ले लें या फिर कोई भी कपड़ा ले लें, उससे हल्का सा रब करेंगे तो चीनी के ऊपर ही सारी ये नेल पेंट आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं जो नेल पेंट फर्श पे गिरी हुई थी, हल्का सा मैंने इसमें चीनी डाला है और हल्का सा ही मैंने इसको रब किया है, तो सारी जो नेल पेंट है सारी चीनी ने अपने ऊपर अब्सोर्ब कर ली है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नेल पेंट को साफ़ करने की। तो फ्रेंड्स, ये देखिए चीनी जो है सारी रेड हो गई थी, तो हल्का फुल्का सा अब दाग जो रह गया है, आप कोई गीला कपड़ा ले लें, उससे क्लीन करेंगे तो बहुत ही जल्दी से साफ़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए नेल पेंट जो हल्का सा दाग रह गया था, मैंने गीला कपड़ा ले लिया है और सिर्फ हल्का सा ही आप इस तरह से रब करेंगे तो सारा नेल पेंट का जो फर्श पर दाग होगा सारा दूर हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी नेल पेंट फर्श पे गिर जाए बच्चों से अचानक, तो आप इस तरह से चीनी लेकर और हल्का सा रब करके और नेल पेंट के दाग को हमेशा के लिए छुड़ा सकते हैं। क्योंकि जब भी नेल पेंट के दाग अगर फर्श में चिपक जाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं दूर होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको ये मेरा आइडिया है, काफ़ी पसंद आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा टिप है कि जब भी हम न्यू बर्तन लेकर आते हैं तो इस तरह के जो होते हैं बर्तन में, न्यू बर्तन में कागज़ लगे होते हैं, तो इसको हटाने से या फिर इसको वॉश करने से बिल्कुल भी नहीं हटते हैं। लेकिन जो न्यू बर्तन होते हैं उनके इस तरह से कागज़ को हमें हटाकर ही यूज़ में लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह से कागज़ है वॉश करने के बाद या फिर हाथ से हटाने के बाद भी साफ़ नहीं हो, तो आपको ले लेनी है इस तरह से, गैस को हल्का गर्म कर लेना है, गैस के ऊपर को इस थाली को गर्म कर लेना है, गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर देना है। और इस थाली को मैंने इसके ऊपर हल्का सा रख दिया था, अब क्या करना है, गैस को हमें बंद कर देना है। और फ्रेंड्स, नाइफ़ के आप जब इस तरह से इसको करेंगे तो बिल्कुल आसानी से ही आपका जो ये इसमें लगा हुआ है कागज़ जो न्यू बर्तन में, तो बिल्कुल आसानी से ही दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जब भी हम मार्केट से न्यू बर्तन लेकर आते हैं तो इसमें इस तरह से कागज़ तो ज़रूर ही चिपके होते हैं, तो बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है इन्हें हटाने के लिए। तो मैंने हल्का सा ही इस थाली को गैस के ऊपर गर्म कर लिया था, बिल्कुल हल्का सा, फिर गैस को मैंने ऑफ़ कर लिया था। और ये देखिए फ्रेंड्स, नाइफ़ की मदद ले लें या फिर जो स्पून है उसकी मदद से आप इस तरह से गर्म करके इस तरह से कागज़ को हटा सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वाला आइडिया है काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वाला आइडिया मेरा आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए अब इसको आप अच्छी तरह से वॉश करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से थाली क्लीन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट जो टिप है, जब भी हम इस तरह से साबुन का यूज़ करते हैं तो क्या होता है,
बार बार हम हैंड वॉश वगैरह करते हैं, बच्चे हैंड वॉश वगैरह करते हैं इस तरह से, तो ये क्या होता है, इस तरह से जब हम इसको रख देते हैं तो ये साबुन जो होता है गलता रहता है, या फिर जो ये साबुन है फ्रेंड्स देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसके ऊपर रख दिया है, तो ये गीला ही रहता है। और बार बार अगर बच्चे वगैरह बड़े कोई भी हैंड वॉश करते हैं तो ये गीला ही रहता है, सूखता ही नहीं है और बहुत ही जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स जहाँ पर मैंने इसको रखा हुआ है तो वो भी देख सकते हैं बार बार कितनी गंदी हो जाती है, हम बार बार इसको क्लीन करते हैं लेकिन ये बार बार जो ये साबुनदानी में हमने इसके ऊपर साबुन रखा हुआ है ये कितनी बार बार गंदी हो जाती है। तो फ्रेंड्स अगर साबुन को आपको ज़्यादा दिन तक चलाना है और गलने से इस तरह से अगर गले नहीं साबुन, तो इसके लिए क्या करना है, आपको साबुन को एक साबुन ले लेना है, न्यू साबुन ले लें आप, जब भी आप न्यू साबुन का यूज़ करें अपने वाश बेसिन वगैरह में तो न्यू साबुन ले लें, और उसके ऊपर इस तरह से एक ले लें कील, तो कोई सा भी आप इस तरह से कील लगाकर उस साबुन को हमें इस तरह से कर लेना है छेद। तो फ्रेंड्स अगर इस तरह से साबुन है आराम से इस तरह से कील लगाएंगे तो आराम से इसमें छेद हो जाएगा, अगर आराम से छेद नहीं हो तो आप किसी चीज़ से इस तरह से इसमें होल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने कील ले लिया था और साबुन पर इस तरह से एक बड़ा सा होल बना लिया है, और आप न्यू साबुन अगर वॉश बेसिन में रखेंगे तो न्यू साबुन में भी आप इस तरह से एक बड़ा सा होल बनाकर और एक छोटा सा एक धागा ले लें। तो फ्रेंड्स धागे को मैंने इस तरह से डबल कर लिया है और इस होल के अंदर इस तरह से हम डाल देंगे। तो फ्रेंड्स इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका साबुन है काफ़ी दिनों तक गलेगा नहीं, काफ़ी दिनों तक चलता रहेगा। और वॉश बेसिन में जब हम साबुन दानी होती है या फिर वॉश बेसिन सिंक जो होता है वहाँ पर हम साबुन को रखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बार बार गंदी हो जाती है, तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया ये टिप है। तो इस तरह से साबुनदानी है बिल्कुल आपकी गंदी नहीं होगी, मैंने इसके ऊपर इस तरह से धागा को इसमें लटका दिया है। अब जब भी हैंड वॉश करेंगे तो हाथ जो है इस तरह से साबुन से क्या होगा, साबुन भी सूखता रहेगा, गीला नहीं रहेगा, और जो ये ऊपर जो बना हुआ है ये भी गंदा नहीं होगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं बार बार साबुन इसमें रखने से बार बार गंदा हो जाता है और हमें बार बार इसको क्लीन करना पड़ता है। तो इस तरह से साबुन से हाथ धोने के बाद आप इस तरह से साबुन को इस तरह से रहने दें, और इससे क्या होगा, साबुन है बिल्कुल अच्छी तरह से सूखता भी रहेगा और जो साबुनदानी है ऊपर की वो भी बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी, और काफ़ी दिनों तक आपका साबुन है इस तरह से चलेगा। जो आपका साबुन है 15 दिन में ही ख़त्म हो जाता था तो 20-25 दिन आराम से चलेगा। तो इस तरह से आप बाथरूम में भी साबुन को इस तरह से धागा लगाकर और रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये छोटे छोटे टिप हैं लेकिन हमारे घर में बहुत ही काम के टिप है। तो फ्रेंड्स इस तरह से इन टिप्स का आप ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने साबुन को इसमें रख दिया है और आप भी इस टिप्स का ज़रूर ट्राई करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सारे टिप पसंद आए होंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।